हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद कृष्णा ठकुरी। तो गाइज, आज मैं आ रखा हूँ यहाँ पे हरिद्वार शांति कुंज आ रखा हूँ। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ एक बार, यहाँ का जितना भी है लोकेशन क्या है यहाँ का, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ गाइज। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये है गाइज शांति कुंज। ये इसका मुख्य द्वार है गाइस, ये आप देख सकते हैं शांति कुंज का। यहाँ पे खाने के लिए बाहर दुकानें भी हैं गाइस, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, अंदर चलते हैं और देखते हैं। आइए। तो फ्रेंड्स, आइए आपको आज दिखाते हैं विश्व प्रसिद्ध गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। ये जो शांति कुंज है, ये हरिद्वार का एक बहुत ही पवित्र स्थल है। जो भी श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं वो शांति कुंज आना नहीं भूलते। ये जो शांति कुंज है गाइज, ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली देहरादून पर स्थित है। गायत्री तीर्थ युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जोलीग्राउंड एयरपोर्ट से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब आप हरिद्वार की ओर से आएंगे तो 6 किलोमीटर की दूरी पर आपको दाहिने तरफ गेट संख्या 5, 4 और 2 दिखेंगे, लेकिन 2 और 4 नंबर गेट अभी फ़िलहाल बंद है, तो आप 5 नंबर गेट से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए आपको अपना आईडी आधार कार्ड दिखाना होता है, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है। और यदि आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो आपको बाईं ओर गेट नंबर 2 फिर 4 उसके बाद 5 नंबर गेट मिलेगा, तो आप 5 नंबर गेट से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हमने 3 नंबर गेट से एंट्री किया गाइज, जो कि थोड़ा अंदर की तरफ आना पड़ता है 3 नंबर गेट से एंट्री लेने के लिए। टोटल 5 गेट हैं शांति कुंज के, जिनमें से 1, 3 और 5 नंबर गेट खुला है, बाकी 2 नंबर गेट और 4 नंबर गेट फिलहाल बंद है। तो आइए जानते हैं गाइज शांति कुंज के बारे में और दिखाते भी हैं आपको, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले इसके अंदर प्रवेश करते ही जो मैंने महसूस किया गाइज, वो है यहाँ की शांति। यहाँ बहुत शांति है और हर तरफ हरियाली, हरे भरे पेड़, और यहाँ कई प्रकार के वन औषधियों के पौधे भी दिखने को मिलेंगे और साथ में उनका नाम भी लिखा होगा। और इतना सब कुछ एक साथ और एक जगह पे, तो शायद इसलिए इसको कुंज कहा जाता है। शांति कुंज की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा हुआ था और शांति कुंज में बहुत सारे स्थान देखने योग्य हैं, जैसे यहाँ का यज्ञशाला, गायत्री माता का मंदिर, अखंड दीप, देव आत्मा, हिमालय ज्ञान मंदिर इत्यादि। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सभी मुख्य स्थान आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। यहाँ का जो अखंड दीप है वो सन
1926 से जलता ही आ रहा है, जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा गाइस, तो बने रहिए मेरे साथ और आइए देखते हैं। हेलो अंश, अंश ठकुरी, जापानी साइकस, ये जापानी साइकस है गाइस। संगीत मतलब सर यहाँ पे क्या मतलब संगीत, यहाँ अंदर जाएंगे तो अच्छा अच्छा हम भी जाके सुन सकते हैं। अभी नहीं है, हाँ जी 8 बजे तक आइए, 8 अच्छा अच्छा थैंक यू गुरु जी। Thank you.
ये है गाइस माता गायत्री मंदिर, गायत्री माता का मंदिर है यहाँ पर। ये गाइस ढका हुआ देवता ये आप देख सकते हैं और ये गायत्री माता मंदिर है। शांति कुंज का मुख्य मंदिर है ये गायत्री माता का मंदिर, ये आप देख सकते हैं। ये अखंड दीप के लिए लाइन लगी है गाइस, ये आप देख सकते हैं। ये जो दीपक जल रहा है गाइस ये अखंड दीप है। अच्छा अच्छा हाँ जी 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 थैंक यू। तो यहाँ पे भोजन का आयोजन होता है गाइस। ये भोजनालय है गाइस, अभी बंद है क्योंकि अभी 8:30 बजे यहाँ भोजन शुरू किया जाता है, तो यहाँ टाइम भी देख सकते हैं आप। सिद्धि को मंदिर
ये है फ्रेंड्स यज्ञशाला प्रवेश द्वार। यहाँ पर हवन का कार्य होता है। यहाँ एक साथ बहुत सारे लोग हवन करा सकते हैं। ये जो स्थान देख रहे हैं दोस्तों, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मुख्य समाधि स्थल है। यहाँ दो स्मृति चिन्ह बनाए गए हैं जिनके नाम हैं प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा। इनमें से प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मृति चिन्ह प्रदर्शित करता है और सजल श्रद्धा माता भगवती देवी शर्मा जी का स्मृति चिन्ह प्रदर्शित करता है। और जब इस जगह पर परिक्रमा करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव फील होगा। ये है कैंटीन गाइस। यहाँ है गाइस हस्तनिर्मित उत्पाद बिक्री केंद्र। यहाँ हाथों से निर्मित वस्तुएं मिलती हैं। ये पुस्तकालय है गाइस। यहाँ पर आपको पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा लिखित कई सारी पुस्तकें सही दामों पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा भी यहाँ पर और भी सामान मिलते हैं। इसके अंदर चल
दोस्तों जब भी आप शांति कुंज आएँ तो यहाँ पर अवश्य आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ बहुत ही शांति मिलती है गाइस यहाँ आने के बाद। यहाँ पे आपको हर किस्म के पेड़ पौधे मिल जाते हैं गाइस, हर प्रकार के पेड़ पौधे। ग्रीत कुमारी, ये ग्रीत कुमारी गाइस, एलोवेरा। जैसे ये पौधे का नाम है शतावर, तो जो यहाँ पे ये QR कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन करके आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं गाइस। शतावर ये जो पौधा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं। चलिए अंदर जाके दिखाता हूँ। सरपुंखा की जड़ी बूटी है ये आपको। हर प्रकार की जड़ी बूटियां हैं यहाँ पे गाइस। ये अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा की जड़ी बूटी है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए गाइज, ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवल, बाय।